अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं हम प्लेयर शुक्रिया अदा करते हैं मेमोट्रम फैमिली के कि उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया, इट्स अमेजिंग। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है प्लेयर्स के लिए। मैं आपको बताता चलूँ कि इन्होंने प्लेयर्स को तकरीबन 3 टाइम अपॉर्चुनिटी मिलती है इस वर्ल्ड कप लेजर लीग टीम हिस्सा बनने के लिए। नंबर एक, डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप आपको खेलना पड़ेगा, अगर आप वहाँ पे परफॉर्म करोगे तो आप लेजर लीग टीम का हिस्सा बनते हैं। नंबर दो, नेशनल चैंपियनशिप आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप वहाँ पे परफॉर्म करोगे तो आप लेजर लीग टीम का हिस्सा बनते हैं। नंबर तीन, ओपन ट्रायल्स होते हैं हर सिटी में, तो आप वहाँ पे अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं, अपना स्किल दिखाते हैं, तो आप लेजर लीग टीम का हिस्सा बनता है। साथ आपकी क्या एम्बिशन है, यानी जिस तरह अब आप पार्ट बन चुके हैं पाकिस्तान टीम का, इंशाल्लाह यू विल बी गोइंग टू ग्रीस एज वेल, किसी बाहर के फुटबॉल क्लब ने आपको साइन अप कर दिया, आपने हम सबको खुदाफिस कहना है और आगे चले जाना? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पहले भी प्रोफेशनल लीग खेल चुका हूँ, मालदीव का मालदीव प्रीमियर लीग में खेल चुका हूँ। ये कि आई एम वेरी एक्साइटेड, ये वर्ल्ड कप है, सिर्फ वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप खेलना बहुत बड़ी बात है। देखें, आप जहाँ पे भी जाएं, जिस क्लब में भी जाएं, आप हमारे लिए फख्र होंगे बिकॉज पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं जी, और हम तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिले, दैट इज द विजन ऑफ इज एज वेल। केविन, आई'd लाइक टू आस्क यू, व्हाट डू यू थिंक ऑफ यू नो द एक्सपीरियंस सो फार? पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन टेकन एज अ क्रिकेटिंग नेशन, पीपल राइट यू नो इन एट ग्रेट लेंथ अबाउट द क्रिकेटिंग टैलेंट दैट वी हैव, बट व्हाट अबाउट द फुटबॉल टैलेंट? डू यू थिंक इट्स पाकिस्तान'स बेस्ट केप्ट सीक्रेट? I think so. And you know, over the period of time that I've been here, yeah, the Pakistan has some wonderful talent, the footballers. And you know, we've seen over 2,000 players the time that I've been here, which is an awful lot of talented footballers. And we've, you know, it's been a tough decision when we selected the final players for the you know, to take to the tournament. And what do you think is their greatest strength when you evaluate them, and you've coached people from all around the world? What is that one strength that stands out or makes them stand out in the world arena? It's their passion, you know, their passion and their endeavor, you know, to succeed. Yeah, but you know, along with that, they have a lot of, they have immense talent also, you know, when they have the ball. And there's quite a few of the players that have a good brain, what we call a footballing brain, you know, so they can kind of think ahead also. And so, how well do they perform?